हेलो एवरीवन, आज हम इस प्रैक्टिकल में देखेंगे कि हमारी लैब के इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि सीआरओ और फंक्शन जनरेटर, इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है, तो इसमें एक फंक्शन जनरेटर है जिसको मैं उठा के दिखा रहा हूँ। ये है फंक्शन जनरेटर और उसके नीचे जो रखा हुआ है ये है आपका सीआरओ। अब सबसे पहले तो बात करेंगे कि फंक्शन जनरेटर ये क्या होता है। फंक्शन जनरेटर जो होता है वो एक तरह का मल्टी फंक्शन ऑसिलेटर होता है जिसमें साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव, स्क्वायर वेव जनरेट कर सकते हैं अलग अलग फ्रिक्वेंसीज के, अलग अलग एम्पलीट्यूड के। और नीचे जो सीआरओ होता है, सीआरओ होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो सीआरओ में हम किसी भी तरह की वेवफॉर्म्स को देख सकते हैं, मतलब इसका जो डिस्प्ले होता है, इस डिस्प्ले के ऊपर ये वेवफॉर्म्स डिस्प्ले होती है और उन वेवफॉर्म का नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई वेवफॉर्म आई तो उस वेवफॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी होंगी, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या है, उसका फ्रिक्वेंसी क्या है, फेस किस तरह का है, उसका वेवफॉर्म का नेचर किस तरह का है, तो ये सब स्टडी हम सीआरओ में करते हैं। तो बेसिकली आपका जो फंक्शन जनरेटर है वो हमारे लिए इनपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे कि यदि मुझे कोई प्रैक्टिकल या कोई सर्किट टेस्ट करना है तो उस सर्किट के इनपुट पे मुझे कोई फंक्शन भेजना है, फॉर एग्जांपल साइन फंक्शन हो, स्क्वायर फंक्शन हो, या ट्रायंगुलर वेव हो, या कोई भी किसी भी तरह की जो वेवफॉर्म्स होती है वो यदि मुझे अप्लाई करना है किसी सर्किट पे तो मुझे फंक्शन जनरेटर की ज़रूरत पड़ेगी। अब जब हम टेस्ट करते सर्किट को तो कोई एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के ऊपर तो टेस्ट नहीं करते, तो उसको मल्टी फ्रिक्वेंसीज, मतलब अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पे उस सर्किट का टेस्ट करते हैं। तो उस सर्किट में अलग अलग फ्रिक्वेंसीज के अलग अलग सिग्नल्स अप्लाई करके देखेंगे हम, और वो सर्किट का नेचर क्या होता है उस वेवफॉर्म के ऊपर और उसमें आउटपुट किस तरह से देता है, ये स्टडी करना पड़ता है हमारे किसी भी सर्किट या प्रैक्टिकल के सर्किट्स पे। तो इसलिए हमारा जो फंक्शन जनरेटर है वो एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये हमारे सर्किट के लिए इनपुट बनता है, यानी ये यहाँ से वेवफॉर्म देगा और हमारे सर्किट के इनपुट को लगाएंगे हम। और उसके बाद किसी सर्किट का जो टेस्टिंग सर्किट जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो उस टेस्टिंग सर्किट के आउटपुट से जो मिलने वाला है तो वो मुझे सीआरओ पे देखना होता है। तो इसलिए हम सीआरओ को कहते हैं आउटपुट डिवाइस, मतलब हमारे जो टेस्टिंग सर्किट है उसका जो आउटपुट देखना है हमें, तो जिस डिवाइस के थ्रू उसका आउटपुट देखेंगे हम, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस। तो जैसे कि यहाँ पर किसको देखेंगे हम, सीआरओ को, यानी सीआरओ में देखेंगे हम आउटपुट सिग्नल, उसका नेचर क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई हमारी फंक्शन जनरेटर और सीआरओ का बेसिक फंक्शन क्या है या क्या यूज़ क्या है हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में या टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। अब बात करते हैं कि जो फंक्शन जनरेटर है इसका फ्रंट पैनल क्या है। तो फ्रंट पैनल में क्या होता है, फंक्शन जनरेटर के पास ये जो छोटा सा डिस्प्ले होता है, तो इस डिस्प्ले में एक तो फ्रिक्वेंसी डिस्प्ले होती है और उसका एम्पलीट्यूड भी डिस्प्ले होता है, किसका, यहाँ से जो आने वाला सिग्नल है उसका। तो ये जो जहाँ से सिग्नल हम अप्लाई करते हैं हमारे टेस्टिंग सर्किट को, तो इसे हम प्रोब कहते हैं, जो यहाँ से निकला है यहाँ पर, तो इसे हम प्रोब कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोब है ये हम हमारे सर्किट, टेस्टिंग सर्किट जो होता है उसके इनपुट पे लगाते हैं। तो इस प्रोब में जो सिग्नल आने वाला है उस सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या है और फ्रिक्वेंसी क्या है वो डिस्प्ले यहाँ पर होता है। तो अब एक ही डिस्प्ले पे दो दो क्वांटिटीज डिस्प्ले होने वाली है, तो उसका कोई ना कहीं स्विचिंग स्विच होगा कि भाई अभी फ्रिक्वेंसी दिख रहा होगा तो हमें एम्पलीट्यूड देखना, तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक स्विच होता है। तो यहाँ स्विच जो होता है ये पुश टू स्विच है, यहाँ ऊपर लिखा है फ्रिक्वेंसी और नीचे लिखा है पिक टू पिक वोल्टेज। ठीक है, तो यदि ये वाली स्विच ऊपर है तो ये फ्रिक्वेंसी शो कर रही है इस डिस्प्ले में, और यदि ये स्विच को मैंने दबा दिया, प्रेस कर दिया, तो देखो ये छोटी हो गई। ठीक है ना, तो जब छोटी है इसका तो यहाँ पर जो वोल्टेज जो दिखेगा वो पिक टू पिक वोल्टेज होगा, मतलब इस प्रोब से निकलने वाला जो सिग्नल या सिग्नल जो रहेगा, जो भी वेवफॉर्म रहेगी, तो उसका पिक टू पिक वोल्टेज यहाँ पर दिख रहा है 7.9 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया डिस्प्ले। अब अगर मुझे इसका डिस्प्ले, इसका जो एम्पलीट्यूड है उसको यदि मुझे चेंज करना होगा, तो एम्पलीट्यूड चेंज करने के लिए मेरे पास यहाँ पर नॉब होता है। ठीक है, तो इस नॉब से मैं एम्पलीट्यूड वेरी कर सकता हूँ। ठीक है, जिस तरह से मैं इसको घुमा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर 9.2 आ गया, और बढ़ा दिया मैंने तो यहाँ 12.0 आ गया, और बढ़ा दिया, तो ये आप बढ़ा सकते हो। तो आपके जो सिग्नल है, जैसे कि कोई भी सिग्नल आपके टेस्टिंग सर्किट में देना है, तो उस सिग्नल का एम्पलीट्यूड आपको कितना रखना है वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये एम्पलीट्यूड नॉब हो गया। ओके, उसके बाद में यहाँ पर जो दो नॉब दिख रही है, तो ये दो नॉब और इधर के ये
पुश टू स्विच जो दिख रहे ना, पुश टू ऑन स्विच, तो ये है फ्रीक्वेंसी वाले। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे डिस्प्ले में देखना पड़ेगा ना कि भाई कौन सी वैल्यू का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिख रहा है। तो उसके लिए मुझे ये वाली स्विच को ऊपर कर देना है। जैसे प्रेस किया मैंने तो ये बाहर आ गई, ठीक है। तो बाहर आ गई तो अभी जो दिखा रहा है ये क्या दिखा रहा है, ये है 1.235, यहाँ दिखा रहा है किलो हर्ट्स। तो यहाँ पर तीन इंडिकेटर हैं, यहाँ हर्ट्स का है, यहाँ किलो हर्ट्स का है, यहाँ मेगा हर्ट्स का है। तो बीच वाला क्या है, किलो हर्ट्स। तो अब यहाँ से जो वेवफॉर्म निकलेगी तो उस वेवफॉर्म का जो फ्रिक्वेंसी रहेगा वो फिलहाल अभी है 1.235 किलो हर्ट्स, ठीक है। अब यदि मुझे इसको बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर दो नॉब है, इसको बोलते हैं कोर्स और दूसरे को बोलते हैं फाइन। तो कोर्स मतलब ज़्यादा वेरिएशन वाला और फाइन मतलब स्मॉल वेरिएशन वाला। तो मैं इसको क्या काम करता हूँ, जैसे बढ़ाया तो ये फुल फिलहाल फुल इसमें है, मैक्सिमम इस पे वैल्यू पे। अब मैं इसको कम किया मैं तो ये देखो कम हो रहा है, ओके। तो जैसे ये 1000 के नीचे आया तो यहाँ पर आ गया हर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ 843.8 हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी अभी आ रही है। यदि फाइन जो ये वाला नॉब है इससे क्या काम कर सकते हैं, डेसिमल पॉइंट जो होते हैं या फिर स्मॉल क्वांटिटी अगर वेरी करना है आपको जो डिस्प्ले हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए फाइन नॉब होता है। अब यहाँ पर देखो मैक्सिमम मैंने कर दिया ये दोनों नॉब को, तो यहाँ पर आ रहा है 1.2 किलो हर्ट्स। तो क्या केवल 1.2 किलो हर्ट्स की मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी दे पाएगा ये फंक्शन जनरेटर, नहीं। तो हम क्या काम कर सकते हैं, इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो नीचे के नॉब्स है यहाँ से यहाँ तक, तो ये रेंज सेलेक्टर है। तो रेंज सेलेक्टर मतलब जैसे कि अभी यहाँ पर देखो इस 1 किलो को मैंने प्रेस करके रखा है, तो यहाँ 1K लिखा है ने, मैक्सिमम 1 किलो फ्रिक्वेंसी दिखेगी, ठीक है। अगर यहाँ पर लगा दिया मैंने तो 10 किलो हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी दिखेगी। उसके बाद यहाँ कर दिया मैंने तो 100 किलो हर्ट्स की, यहाँ तो यहाँ पर कर दिया मैंने तो 1 मेगा हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब ये 1 मेगा हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम है, तो आप मिनिमम 0 से भी शुरू कर सकते हो। तो इसको मैंने पूरे नॉब को 0 पिला दिया ना, मिनिमम पिला दिया, तो यहाँ पर फिलहाल 18 किलो हर्ट्स दिख रहा है। मतलब मिनिमम 18 किलो हर्ट्स तक ही यहाँ रहेगी, इससे आगे फिर हमें बढ़ाना होगा तो आप बढ़ा सकते हो, जितनी फ्रिक्वेंसी का आपको सिग्नल चाहिए उतना, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर 1 किलो हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी रेंज सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं 1 किलो हर्ट्स पे सेट करके रख देता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर 1.125 आया है, तो मैं इसे क्या काम कर देता हूँ, एग्जैक्टली 1 किलो हर्ट्स पे सेट कर देता हूँ। तो आप इन नॉब का यूज़ करके इसको सेट कर सकते हो पर्टिकुलर वैल्यू पे। लीजिए ये हो गई आपकी 1 किलो हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी, करेक्ट। अब यहाँ जो दिख रहे हैं बाकी के, तो ये सिमेट्री नॉब होता है, इसके बाद यहाँ पर डीसी ऑफसेट नॉब होता है, और ये तो मैंने बता दिया एम्पलीट्यूड। उसके बाद यहाँ पर देखिए फंक्शन चेंज करने का है, मतलब आपका जो ये वेवफॉर्म आने वाला है तो इस वेवफॉर्म का फंक्शन किस तरह का रहेगा, साइन फंक्शन रहेगा, ट्रायंगुलर वेव रहेगा या स्क्वायर वेव रहेगा। तो मैंने यहाँ पर साइन वेव सेलेक्ट करके रखा है तो साइन वेव मिलेगा, इसको यहाँ से प्रेस कर दिया तो ट्रायंगुलर वेव मिलेगा, इसको यहाँ पर प्रेस कर दिया तो स्क्वायर वेव मिलेगा, ठीक है। तो ये इतनी बात हो गई आपकी फंक्शन जनरेटर की, ठीक है। अब बात करते हैं हम सीआरओ की। तो सीआरओ में देखिए यहाँ पर ये टू चैनल सीआरओ है, ठीक है, ड्यूअल ट्रेस सीआरओ बोलते हैं इसको, टू चैनल। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है, जो फिलहाल अभी प्रोब लगाया मैंने, तो ये वर्टिकली यहाँ पर देखो ये पूरा कंप्लीट फर्स्ट चैनल मतलब चैनल एक्स के लिए है कंट्रोल्स, ये वाला जो रहेगा वो चैनल वाई के लिए रहेगा मतलब सेकंड चैनल। तो दो चैनल है, चैनल 1 ये चैनल 2, ठीक है। तो यहाँ कौन कौन से कंट्रोल रहते हैं, तो देखिए ये जो यहाँ पर इतना कंट्रोल दिख रहा है तो इस कंट्रोल में ये एम्पलीट्यूड के हैं, मतलब आपका जो वाई एक्सिस रहता है सिग्नल का, जो वाई एक्सिस रहेगा स्क्रीन के ऊपर, तो वाई एक्सिस आपका सिग्नल का एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है। तो वाई एक्सिस के जितने भी कंट्रोल होंगे वो यहाँ पर होंगे। तो कैसे, तो ये पहला होता है शिफ्टिंग, मतलब आपका जो सिग्नल है ये ऊपर नीचे वर्टिकली यानी वाई एक्सिस में शिफ्ट होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, तो यहाँ पर वोल्ट पर डिवीजन नॉब है। अब यहाँ पर वोल्ट पर डिवीजन नॉब क्यों है, तो देखिए स्क्रीन के ऊपर कोई स्केल नहीं लिखा हुआ है, तो स्केल नहीं लिखा हुआ है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि स्क्रीन में जो सिग्नल डिस्प्ले हो रहा है वो कितने एम्पलीट्यूड का है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो डिविजन्स बनाए हुए लाइन्स, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की हुई है, मतलब एक्स एक्स वाई एक्सिस पे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके उसको सेगमेंटेड किया गया है, मतलब एक एक सेगमेंट की अलग अलग वैल्यू हो सकती है। तो ये नॉब डिसाइड करता है कि एक सेगमेंट की वैल्यू फिलहाल कितनी है, तो उसी को कहते हैं एक यूनिट यानी वोल्ट पर डिवीजन, मतलब एक डिवीजन का वोल्टेज कितना है, ठीक है। क्योंकि वाई एक्सिस क्या है, एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड क्या में गिनते हैं हम, वोल्टेज में गिनते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो वोल्ट पर डिवीजन जो है तो इसका मिनिमम जो रहता है वो है 20 वोल्ट पर डिवीजन,
मैंने यहाँ पर एक डिवीजन की वैल्यू 20 वोल्ट तक है। जैसे जैसे मैंने इसको ऐसे बढ़ाया क्लॉकवाइज, तो ये क्या होता है कि पर डिवीजन की वैल्यू कम होते जाती है। जैसे कि यहाँ 20 है, फिर 10 है, फिर 5 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0.5, 0.2, 0.1, और इसके बाद में जो होता है तो यहाँ से शुरू होता है 50 मिली वोल्ट। तो यहाँ 50 मिली वोल्ट, 20 मिली वोल्ट, 10 मिली वोल्ट, 5 मिली वोल्ट, यहाँ तक, ठीक है। तो ये पूरा 360 डिग्री रोटेट होता है, और हर एक इसमें इसके नॉच होते हैं। तो जहाँ पर रुका हुआ है, जैसे यहाँ पर, तो यहाँ दिखाएगा 5 वोल्ट पर डिवीजन। अगर मैंने इसको पूरी तरह से रोटेट कर दिया तो मैक्सिमम जो रहता है यहाँ का वो है 5 मिली वोल्ट पर डिवीजन, यानी एक डिवीजन की वैल्यू 5 मिली वोल्ट। ओके, अब मैं यहाँ पर फिलहाल इसको 1 वोल्ट पर डिवीजन पर रख देता हूँ। तो ये बात हो गई आपकी एम्पलीट्यूड की। यहाँ पर जो नॉब होता है वो एसी डीसी का है। जैसे कि आपको अगर सिग्नल आ रहा है एसी, तो एसी पे रखो, डीसी आ रहा होगा तो डीसी पे रखो। यहाँ 1 के लिए हुआ, तो जिस तरह से मैंने चैनल 1 के लिए बताया, तो सेम थिंग यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट चैनल 2 के लिए है। और यहाँ क्या है, चैनल सेलेक्ट करने वाले स्विचेस। जैसे कि अभी इसको किया तो चैनल 1 है, इसको किया तो चैनल 2 होगा, दोनों को किया तो चैनल 1 चैनल 2 दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली स्क्रीन पर दिखेंगे। तो फिलहाल मैं चैनल 1 पर लगाया है प्रोब, तो चैनल 1 को प्रेस करके रखा है। ओके, अब यहाँ पर जो नॉब्स होते हैं, ये बेसिक नॉब्स होते हैं, जैसे कि इंटेंसिटी है, तो ये जो डिस्प्ले होने वाली वेवफॉर्म है उसकी इंटेंसिटी किस तरह से चाहिए, ब्राइट चाहिए या मीडियम चाहिए। उसके बाद ये फोकस है, यानी यहाँ पर जो डिस्प्ले होने वाला बीम है या डिस्प्ले होने वाली वेवफॉर्म है, तो वो पर्टिकुलर प्रॉपर दिखना चाहिए, यानी उसको फोकस करते हैं हम, ठीक है। ये पावर नॉब है। अब यहाँ पर देखते हैं इस साइड का जो नॉब दिख रहा है ये वाला, तो ये नॉब है टाइम पर डिवीजन, यानी एक्स एक्सिस के पैरामीटर सेट करने के। तो एक्स एक्सिस मतलब होता है टाइम एक्सिस, यानी कि ये जो एक्स एक्सिस है इसमें जो नंबर ऑफ डिविजन्स है, तो हर एक डिविजन का वैल्यू कितना होगा, तो वो टाइम में आता है क्योंकि ये टाइम एक्सिस है। तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने इसको घुमाया, रोटेट किया, तो यहाँ पर जो मिनिमम जो वैल्यू है इसकी, मतलब एक डिविजन की वैल्यू यहाँ पर 2 सेकंड का है, फिर 1 सेकंड का है, फिर 50 मिली सेकंड का है, फिर 20 मिली सेकंड, 10 मिली सेकंड, 5, 2, 1, 0.5, 0.2, 0.1 मिली सेकंड, उसके बाद माइक्रो सेकंड शुरू होता है। तो 50, 20, 10, 5, 2, 1 ऐसे करते करते यहाँ पर 0.1 माइक्रो सेकंड तक। तो इस तरह से ये हर एक डिवीजन की वैल्यू है। तो जहाँ पर आपका जो सिग्नल है वो प्रॉपरली डिस्प्ले होगा आपके स्क्रीन के ऊपर, तो वही वैल्यू यहाँ पर सेट करके रखनी पड़ती है। यदि नहीं हुआ तो ये वोल्ट पर डिवीजन और टाइम पर डिवीजन नॉब को सेट करते हुए मुझे अपना डिस्प्ले इस स्क्रीन के अंदर लाना है, ताकि मैं उसके सारे पैरामीटर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर सकूँ, ठीक है। तो इस तरह से इसके कंट्रोल्स होते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए, इधर ये शिफ्टिंग है, एक्स शिफ्टिंग, मतलब एक्स एक्सिस में इधर उधर मतलब हॉरिजॉन्टली सिग्नल को शिफ्ट करना है, तो ये एक्स शिफ्टिंग हो गया। और ये वाई शिफ्टिंग चैनल 2 के लिए, ये वाई शिफ्टिंग चैनल 1 के लिए। और ये है होल्ड ऑफ, यदि आपका सिग्नल ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है तो उसको होल्ड करने का काम करता है। और उसके बाद ये जो लेवल है, तो उसको हम सिग्नल को लेवल करते हैं।